इस वक्त पूरी दुनिया में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की चर्चा है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन यानी करीब 3,368 अरब रुपए में खरीद लिया है। ट्विटर के बोर्ड ने इस डील को हरी झंडी दे दी है। एलन मस्क ने 2 हफ्ते पहले ट्विटर को खरीदने को लेकर बोली लगाई थी। उनके मुताबिक ट्विटर में जबरदस्त क्षमता है जिसे वो अनलॉक करना चाहते हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक है, साथ ही वो एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स को भी चलाते हैं। ट्विटर का मालिक बनते ही एलन मस्क ने कहा कि वो इसमें कई सारे बदलाव लेकर आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि फेक अकाउंट के खिलाफ भी वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। एलन मस्क ने डील की घोषणा करने के बाद एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, फ्री स्पीच किसी भी लोकतंत्र का आधार है और ट्विटर डिजिटल टाउन स्क्वायर है जहां मानवता के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर बहस होती है। एलन मस्क ने बयान में आगे कहा, मैं ट्विटर को पहले से बेहतर बनाऊंगा, इसमें नए फीचर्स लाए जाएंगे, इससे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। ट्विटर में जबरदस्त क्षमता है, मैं इसे अनलॉक करने के लिए कंपनी और यूजर्स के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। बता दें कि एलन मस्क ट्विटर पर खुद विवादों से दूर नहीं रहे हैं। उनके करीब 80 मिलियन फॉलोअर्स हैं। साल 2018 में अमेरिका के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने उन पर अपने ट्वीट्स के साथ टेस्ला इन्वेस्टर को गुमराह करने का आरोप लगाया था। एलन मस्क ट्विटर पर लगातार अपनी बातें रखते हैं। हाल ही में उन्होंने कर्ज में डूबे श्रीलंका को खरीदने की बात कही थी। उन्होंने सौदे की घोषणा से कुछ घंटे पहले लिखा था, मुझे उम्मीद है कि मेरे सबसे बुरे आलोचक भी ट्विटर पर बने रहेंगे, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यही मतलब है। ट्विटर का मुख्य बिजनेस मॉडल विज्ञापन आधारित है और एलन मस्क इसे बदलना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका दावा है कि सदस्यता में उनकी अधिक दिलचस्पी है, यानी वो चाहते हैं कि ट्विटर के इस्तेमाल के लिए लोगों से पैसे लिए जाएं। लेकिन मौजूद माहौल में ये आसान नहीं होगा, जहां सभी मुख्य सोशल नेटवर्क्स फ्री टू यूज है। देखना होगा कि क्या ट्विटर यूजर इसके लिए तैयार होते हैं या नहीं। एलन मस्क को क्रिप्टो करेंसी भी पसंद है। क्या वो बिटकॉइन जैसे अस्थिर असुरक्षित मुद्राओं के भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए मंच का उपयोग कर सकते हैं?